VSL3 कैप्सूल जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। 425 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है, जिसके अंदर लिव फ्रीज ड्राई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एन बिफोडो बैक्टीरिया इसके अंदर 112.5 बिलियन CFU रहता है इसके अंदर। तो ये टेबलेट जो कि यूज़ होती है बहुत सारे केसेस में, 10 कैप्सूल का ये पूरा स्ट्रिप रहता है और इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए अल्सर एक्टिवेटेड कोलाइट्स एंड इरिटेबल बबल सिंड्रोम में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स बेनिफिट साइड इफेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करता है, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का है और इसका सब्सटीट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि VSL3 कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। VSL3 कैप्सूल जो कि बनाई जाती है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, इसके अंदर दवाई की बात करूँ तो लिप फ्रीज ड्राई लैक्टिक एसिड बेसिलियस एंड बेपडो बैक्टीरियल्स इसके अंदर डाला गया है, जो कि 425 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है। और इसके अंदर जो कंटेंट डाला गया है वो 2 कंटेंट डाला गया है, जो कि क्या करता है कि ट्रीटमेंट करता है अल्सर एक्टिवेटेड कोलाइटिस एंड इरिटेबल्स बबल्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो अगर आप इस कैप्सूल को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि ब्लोटिंग हो सकती है, फ्लूटेनेंस हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैप्सूल काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो एक प्रोबायोटिक है, जो कि हेल्दी बैक्टीरिया है, जो कि स्टिक कर देते हैं वाल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, जिससे क्या होता है प्रोटेक्ट होता है इनर लेयर्स को, जिससे क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया रहता है और टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है वो डाइजेशन सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे काम करती है कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।